हेलो एंड वेलकम बैक टू वीकर ऑटोमोटिव डिटेलिंग, दिस इज चेतन हियर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर प्रीवियस वीडियोस। आज हमारे पास है फोक्सवैगन की टिगुआन। टिगुआन आप लोगों ने हमारे वीडियो में देखी जिसमें हम लोगों ने फुल बॉडी पीपीएफ किया था, तो ये गाड़ी हमारे पास आई है सिरामिक कोटिंग के लिए। इसमें इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले, ना एसेंशियल पीपीएफ है, ना सन कंट्रोल फिल्म है, ना इंटीरियर में किसी भी तरीके की एक्सेसरी है। दिस व्हीकल हैज कम ओनली एंड ओनली फॉर टेरेन सिरामिक कोटिंग। पूरा प्रोसेस ठीक से देखिए, फिर दोबारा एंड में मिलते हैं इस वीडियो। So finally the Volkswagen Tiguan is completed after ceramic coating. Car is looking astonishingly beautiful. White color is gaadi ka bahut acha hai because this is the CKD unit. India mein assemble hoti hai and it is costlier car. It goes in the price bracket of 40 lakhs. Ye Tiguan aur Kushaq ya in logon se better hai because this is completely a different variant. Wo sari cheeze India mein manufacture ho rahi hai. Aajkal to thoda sa compromise bhi hai quality mein, but this is altogether a different thing and uspe jo gloss aa raha hai paint ke upar wo bhi bahut beautiful hai. Kyunki mera manna aisa hai ki bahut sari gaadiyon mein hum logon ko issues फेस हुए है। जब हम लोग काम करते हैं सिरामिक के लिए तो हम लोग एक सरफेस के पास बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं, बहुत टाइम तक उस पर काम करते हैं, तो हम लोगों को समझ में आता है कि क्या इश्यूज है। कभी कभी कोई पैनल रीपेंट होता है, कभी कभी शोरूम एंड पे भी कुछ चीजें होती है जो कस्टमर्स के ध्यान में नहीं आते, तो वी ट्राई टू फिगर इट आउट, उनके ध्यान में लाते हैं, अगर उसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकाल सकते तो निकाल लेते। बट इन दिस कार केस देयर इज नथिंग सच, दिस इज प्रिस्टीन कंडीशन, एक नंबर गाड़ी मिली है कस्टमर को, क्योंकि इस पे कोई इश्यूज नहीं है। अगर आप मुझे पूछेंगे तो हम लोगों को तो इसका ग्लॉस इफेक्ट बहुत पसंद आया, और इस पे जो हम लोगों ने सिरामिक यूज किया हुआ है वो टर्टल वैक्स नहीं है, तो दिस इज समथिंग एल्स जो हम लोग आने वाले वीडियोस में रिवील करेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू फॉर आवर क्लाइंट। इसके ऊपर प्रोसेस भी हम लोग ने जो दिखाई है वो रेगुलर व्हीकल की प्रोसेस दिखाई है, इसमें से कुछ स्टेप्स हम लोग ने स्किप किए, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट लाइनअप नई जो शुरू होने वाली है, फिर उसके साथ में कि क्या क्या चेंजेस हम लोगों ने स्टेप्स में किए। आज तक के वीडियोज में आप लोगों ने हमेशा यही देखा है, पेंट करेक्शन, सरफेस रिफाइनमेंट, फिर वॉशिंग, फिर उसके बाद डिकंटामिनेशन, ये वो, फिर सिरामिक कोटिंग, या फिर अगर एसेंशियल पीपीएफ होगा तो वो। बट हम लोग ने
थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सा लाइन ऑफ प्रोसेस थोड़ा सा चेंज किया है एंड वी आर अचीविंग अ बेटर रिजल्ट्स इन लास्ट 3-4 कार्स. मेरे ख्याल से दिस इज द फिफ्थ कार वी हैव डन विद द सेम प्रोसेस. सिर्फ यहाँ पे सिरामिक हम लोग ने दूसरे ब्रांड्स के यूज किए हुए जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में आपसे रिवील करेंगे. सो जस्ट हैव अ लुक एट द कार. तो गाइस यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो लाइक जरूर बनता है, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा. दूसरी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों को थाने डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग को थाने रीजन में 2 साल से ऊपर हो गए अभी हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग कर रहे हैं. इस बारिश के सीजन में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेशन भी कंडक्ट किया था जिसमें हम लोगों ने कुछ एंथुजियास्ट थे जिनको सीखना था कि डिटेलिंग क्या होता है, व्हाट इज द डिटेलिंग एग्जैक्टली. तो हम लोग ने वो सेशंस कंडक्ट किए थे, उसके कुछ वीडियोस हम लोग अलग तरीके से बना रहे ताकि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग घर बैठ के भी समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डिटेलिंग, व्हाट इज डिटेलिंग और वहाँ पे क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं. हम लोग ने कभी कहीं पे ट्रेनिंग्स नहीं ली, वी गॉट अवर ओन व्हीकल्स एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज व्हीकल सर्फेस. धीरे धीरे समझ में आया कि जो डिफॉल्ट नॉलेज है उससे कुछ ज्यादा होना जरूरी है एंड वी स्टार्टेड डूइंग दैट एट अवर एंड एंड वी गेव अ वेरी एक्सेप्शनल रिजल्ट ऑन अवर कस्टमर्स कार. कभी कभी एक दो स्टेप में काम नहीं होता, स्पेशली द व्हीकल विच इज ओल्ड जो डिटेलिंग के लिए आती है, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा रिगरस ट्रीटमेंट करना पड़ता है. एट द सेम टाइम हम लोग को उसका पेंट सर्फेस भी संभालना हो. तो ये सारी चीजें वीडियोस देख के समझ में नहीं आता. यस, हम लोग डिटेल में वीडियोस डालने की कोशिश करते हैं बट कुछ सीक्रेट रेसिपीज होते हैं जो हम लोग डेफिनेटली स्किप करते हैं, हर एक चीज नहीं डालते हम लोग. बट ये अगर जब कस्टमर्स गाड़ी देखते हैं स्पेशली द ओल्ड व्हीकल्स विच वी वर्क, नई गाड़ियों पे तो कोई भी ग्लॉस ला सकता है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम लोग इस दुनिया में सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं. बट यस, वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट बिकॉज हम लोग जब 3 लेयर्स करते हैं सिरामिक के तो वी टेक दैट मच ऑफ टाइम, वी आस्क कस्टमर्स टू लीव द व्हीकल फॉर दैट मच ऑफ पीरियड. तो काफी सारे कस्टमर्स को हेजिटेशन होता है कि कैसे गाड़ी 3 दिन के लिए छोड़े, 2 दिन के लिए छोड़े. तो थोड़ा सा किसी किसी को रिस्क फैक्टर लगता है, किसी किसी को लगता है कि ये गाड़ी मैं रेगुलर यूज कर रहा हूँ तो मेरा ट्रैवलिंग इफेक्ट होगा. तो वी आर कमिंग टू द सॉल्यूशन ऑन दैट एज वेल, वो भी अगले वीडियो में डिस्क्लोज होगा. तो टिल देन यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और भी हम लोग वीडियोस डालते रहेंगे. एंड स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल, दिस इज लॉट मोर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस.